और चलिए इसी बीच अब खबर छिंदवाड़ा से है, जहां दरअसल वीडियो वायरल करने के मामले में बड़ी कार्रवाई की गई है। बीजेपी उम्मीदवार की शिकायत के बाद बड़ी कार्रवाई देखने को मिली और इस मामले में पत्रकार सचिन गुप्ता को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो वहीं कमलनाथ के पीए को 5 दिन का समय दिया गया है। तो आपको बता दें कि कमलनाथ के पीए मिगलानी ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देकर 5 दिन का समय मांगा है। तो सचिन गुप्ता और आर के मिगलानी को इस पूरे मामले में आरोपी बनाया गया है। दरअसल बीजेपी प्रत्याशी का कथित वीडियो वायरल करने का इन पर आरोप है और वीडियो वायरल करने के लिए एक पत्रकार को प्रलोभन भी दिया गया है। तो अब इस पूरे मामले को लेकर कल कमलनाथ के घर में भी पुलिस ने दबिश दी थी। हालांकि उस वक्त अचानक ये पता नहीं चल रहा था कि आखिर ये क्या मामला है, क्या माजरा है कि अचानक से इतना पुलिस बल कमलनाथ के घर पर पहुँचा। लेकिन अब स्थिति साफ हो गई है। वीडियो वायरल का मामला ये पूरा था जिसको लेकर कमलनाथ के पीए मिगलानी और एक पत्रकार पर कार्रवाई की गई है और अब इस पूरे मामले में दोनों को आरोपी बनाया गया है। पंजीबद्ध किया गया थाना कोतवाली में, जो धारा 188, धारा 500, धारा 120 बी आईपीसी और 67 ए आईटी एक्ट के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध किया गया। उस अपराध की विवेचना के दौरान सचिन गुप्ता जी को अभिरक्षा में लिया गया है, उनकी गिरफ्तारी की गई है, जिनसे 2 मोबाइल भी जब्त हुए हैं, उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है और इसके अतिरिक्त विवेचना अपराध पे जारी है। इस संबंध में थाना पुलिस द्वारा जो अन्य आरोपी हैं आर के मिगलानी, उनके जो शिकारपुरा में थे, कार्यालय में जो शिकारपुरा में थे, वहाँ दबिश दी गई। उस दबिश में क्योंकि आर के मिगलानी जी को हाई ब्लड प्रेशर था, पहले उनको बाईपास सर्जरी हुई है और अस्वस्थ थे, ऐसी स्थिति में उन्हें धारा 160 का नोटिस देके थाने पे तलब किया गया, जिस पर उनके द्वारा लिखित में लेख किया गया है कि वो विवेचना में पूर्ण सहयोग देंगे और उन्होंने 5 दिन का समय मांगा है।